हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कल्चर की दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जॉब जो कि निकली है सेंट्रल हायर स्टेशन स्कीम रोहतक द्वारा। तो इसमें बता दें कि इसमें केवल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। जो अलग अलग प्रोजेक्ट या स्कीम जो कि नेशनल बोवाइन जीनोमेट्रिक सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्रीड द्वारा निकली हैं, उनके लिए आपको अलग अलग पदों के लिए आपके आवेदन मांगा गया है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहली वैकेंसी या पोजीशन मांगी गई है वो है इन्यूमिलेटर मिल्क रिकॉर्डर, यानी कि जो मिल्क रिकॉर्डर को गिनने वालों के लिए। तो दोस्तों इसमें 40 वैकेंसियां आई हैं। और इसमें बात करें जो ड्यूरेशन रहेगा, उसमें 12 मंथ का आपको ड्यूरेशन रहेगा प्रोजेक्ट का। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें 12th पास मांगा गया है। और इसमें बात करें पोस्टिंग की तो हरियाणा या वेस्टर्न यूपी में आपकी पोस्टिंग होगी। और इसमें बात करें इंटरव्यू की तो एग्ज़ाम डेट या इंटरव्यू के डेट की तो दोस्तों इसमें 24/4/2019 को सुबह 10:30 बजे आपका इंटरव्यू रोहतक में लिया जाएगा। अगला बात करें दोस्तों सुपरवाइजर के लिए, तो इसमें आपको 12 मंथ का प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको आवेदन करना है। इसमें कंडीशन रखी गई है, जो उसको एक डिग्री मांगी गई है यानी ग्रेजुएशन आपको मांगी गई है। और इसमें बात करें पोस्टिंग की तो रोहतक हरियाणा, इनके अलावा भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और इसमें बात करें इसमें आपका इंटरव्यू की डेट की तो दोस्तों इसमें 24/4/2019 को सुबह 10:30 बजे रोहतक में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड डेयरी फार्मिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। तो इसमें आपको पशुओं की जो नस्लें होती हैं उनके बारे में और डेयरी फार्मिंग के बारे में, इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में और हिंदी इंग्लिश और आपको क्षेत्रीय भाषा आना चाहिए। दोस्तों इसमें बात करें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की तो लोग दोस्तों दोनों पदों के लिए सेम है। इसमें बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन की तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है कि जो मिल्क रिकॉर्डर के लिए है उसमें आपको 12th पास होना चाहिए, और जो सुपरवाइजर के लिए उसमें आपके पास किसी ना एक सब्जेक्ट से आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। उसमें बात करते हैं कि एज की तो दोस्तों 21 वर्ष से लेके अधिकतम 50 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें एससी व एसटी वालों के लिए आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो दोस्तों अगर इस जॉब के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक डाल दूंगा जिस पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल एग्रीकल्चर की दुनिया को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।